हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों स्टडी फॉर यू आपके लिए हर वक्त लेटेस्ट अपडेट न्यूज लेके आता रहता है, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और जो पास में बेल आइकन का ऑप्शन है उसको भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज अप्रैल या मई में हो सकती है रीट, यानी दोस्तों जिनको रीट का इंतजार था 2 सालों से जो इंतजार कर रहे थे बच्चों, इनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि जिन्होंने BSTC कर रखी है तो BSTC वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि BSTC में जिन्होंने RPSC का एग्ज़ाम पहले हो रहा है तो वो वैकेंसी पूरी भरी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो रीट की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों इसमें एक बात और है, जिन्होंने इंग्लिश में कर रखी है इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा वैकेंसी निकलने वाली है, क्योंकि इस वक्त इंग्लिश मीडियम की स्कूलें और भी खुल रही है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम जिन्होंने उनमें जब काउंसलिंग की जाएगी तो इस वक्त पूछा जाएगा, जो छात्र इंग्लिश से कर रखी है तो इंग्लिश वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों अप्रैल या मई में हो सकती है रीट की परीक्षा, 2 सालों से बेरोजगार कर रहे हैं इंतजार, तो 10 लाख बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, रीट की तैयारी शुरू करें और पेटनर सिलेबस पर मंथन। तो आप दोस्तों अभी से रीट की तैयारी में जुट जाइए और सिलेबस का मंथन अभी फिलहाल, जो पिछली बार जो दोस्तों रीट की भर्ती में बहुत ही तकलीफ आई थी, जो भर्ती थी वो रद्द होने तक हो गई थी, तो इस बार दोस्तों पूरे पेटनर से तैयार की गई है और अब रहा है सिलेबस का मंथन करने का, यानी क्या सिलेबस रहेगा। जैसे भी दोस्तों सिलेबस नया सिलेबस जारी होगा तो अपने चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड किया जाएगा और हर वक्त लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ अपने चैनल पर डाली जाएगी। तो दोस्तों 10 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने रीट के आयोजन की कवायद शुरू कर दी है। बेरोजगार BEd और BSTC डिग्रीधारी 2 साल से रीट के आयोजन का इंतजार कर रहे हैं, तो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद रीट का आयोजन अप्रैल या मई में संभावित है, यानी दोस्तों संभावित है 100% जो रीट की वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है दोस्तों, परीक्षा की जिम्मेवारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के पास ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, रीट के आयोजन को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के गुरुवार को सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रीट का आयोजन जल्द होना चाहिए ताकि शिक्षक भर्ती शुरू हो सके, और बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। ठीक है, बोर्ड अधिकारियों को परीक्षा में संबंधित समस्त प्रक्रिया जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा के पैटर्न पाठ्यक्रम संभावित तिथियों पर मंथन हुआ। अधिकारी अप्रैल और मई में कुछ तिथियां सुझाई। ठीक है दोस्तों, अभी कोई तिथि फिक्स नहीं है, लेकिन दोस्तों अप्रैल और मई में 100% आपकी रीट की जो वैकेंसी आने वाली है, अब इन तिथियों पर आगे एक बार फिर विचार विश्रम होगा, इसके बाद ही अंतिम निर्णय होगा। शिक्षा सचिव मंजू राजपाल माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मौजूद थे। ठीक है, अब की बार पूछा जा सकता है किस माध्यम से पढ़े हैं, तो दोस्तों इस बार एक बड़ी खबर है कि जो हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, इसी के आधार पे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं, नए 70 से 167 ब्लॉक में और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी के शिक्षकों की तलाश रीट से पूरी होगी। रीट में अभ्यर्थियों से पूछा जाएगा कि किस माध्यम से पढ़ाई की गई है, ऐसे में माध्यम के पढ़ाई करने वाले शिक्षकों को डिटेल मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार प्रतिबंध है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री का मंशा में अनुरूप युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार प्रतिबंध है, रीट के राजस्थान के पात्र अभ्यर्थियों को अवसर मिले उसका ध्यान रखा जाए, गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य मंत्री, ठीक है, कहा शिक्षा मंत्री ने। तो रीट से उपेन्द्र यादव जी ने कहा कि रीट से पहले सरकार को इसकी विसंगति दूर करनी चाहिए, रीट के बाद शिक्षक भर्ती का स्नातक और वेटेज कम किया जाए ताकि किसी से कोई अन्याय न हो। एंड दोस्तों वेटेज, पिछली बार वेटेज को लेकर बहुत ही समस्या हुई थी, तो इसलिए उपेन्द्र यादव जी ने इस बार पहले से ही निर्णय कर दिया है। तो रीट के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती Level 1 और Level 2 अलग अलग नियमों से हो रही है, इसी एक ही प्रकार की भर्ती 2 नियमों से करना गलत है। तो दोस्तों एक ही भर्ती को पिछली बार भी 2 नियमों से की गई थी, ये भी बात सही है कि अलग अलग नियमों से नहीं कराई जाए, एक ही नियम के आधार पर भर्ती हो। तो दोस्तों आगे की जो लेटेस्ट न्यूज होगी वो अपने चैनल पर सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी आपके जो खुशखबरी आएगी उसी वक्त मिलेंगे, और दोस्तों जैसे भी सिलेबस आएगा तो आपको अपने चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, ओके बाय।